नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निस्का किचन में। और शाम को जो कि 5:30 बज गए हैं और गर्मी वाला दिन आ गया है तो दिन बड़ा हो जाता है और सबका नाश्ता करने का मन कर रहा है, तो चलते हैं उनके लिए नाश्ता बनाते हैं। सूजी और आलू का नाश्ता, ये बहुत टेस्टी बनता है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए बाबू भी आ गया, नाश्ता खाने का मन कर रहा ना? हाँ, वो जो वाला जो गोल गोल लेता है, जो गोल गोल लेता है, गोल गोल। हाँ तो देखिए बच्चे भी बता रहे हैं कैसा नाश्ता रहता है, दिखने में कैसा लगता है। तो ऐसे तो मैं अक्सर बच्चों के लिए बनाती हूँ लेकिन बहुत दिनों से मैं नाश्ता बनाया नहीं है, तो चलते हैं नाश्ता बनाते हैं एकदम हेल्दी और टेस्टी वाला नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक कटोरी सूजी लिया, इसको हमने चाल लिया है। तो देखिए सूजी को हम डालेंगे और इसमें मिलाएंगे हम एक कटोरी दही, थोड़ा सूजी हम और डाल लेते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आधा कटोरी देखिए सूजी हम और डाल दे रहे हैं, थोड़ी नाश्ता हम बढ़ाकर बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, तो नमक देखिए हाथों से डाल देते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया, इसमें पानी डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं, फेंट कर अच्छे से। फेंटने के बाद अभी फूलता है, इसको फेंट कर हम 10 से 15 मिनट रख देंगे। ये देखिए फेंटने के बाद देखिए सूजी कितना गाढ़ा दिख रहा है, थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। इतना पानी डालकर हम फेंटेंगे कि हमारा जो बेटर ज़्यादा पतला ना बने, गाढ़ा ही रहे। सूजी और दही डालने के बाद देखिए इसको हमने काफ़ी देर तक इसको फेंट लिया है, अब इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए क्योंकि सूजी फूल कर अभी और सोखेगा। ये देखिए इसको हम ढक कर रख देते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने धनिया लिया है और एक शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, प्याज लिया, हरा मिर्चा, और देखिए 2 आलू लिए हैं और एक खीरा लिया है। इस नाश्ते में आप अपने मनपसंद की सब्जियों को डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। जब ये सब नाश्ते में पड़ते हैं ना तो नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है खाने में और काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। बच्चों को आलू पसंद है और टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च सब पसंद है, नाश्ते में बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को छील लेते हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियों को हमने धो लिया है। सबसे पहले देखिए हम आलू को एकदम पतले वाली जाले से घिस लेंगे, तो इस तरीके देखिए इसको घिस लेते हैं। घिस के डालेंगे आलू तो नाश्ते में जल्दी पक भी जाता है, ये कच्चा नहीं रहता आलू। आलू को देखिए हमने घिस लिया है, अब प्याज काटेंगे बारीक। देखिए प्याज एकदम बारीक बारीक काटेंगे, एकदम पतले पतले में इस तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद एकदम बारीक एकदम टुकड़े करेंगे इसका। प्याज काटने के बाद देखिए हम शिमला मिर्च को भी काट रहे हैं एकदम बारीक बारीक इस तरीके से। शिमला मिर्च को भी देखिए बारीक काट लिए, अब टमाटर की बारी है तो टमाटर भी काट लेते हैं। इसका देखिए बीज निकाल कर हम हटा देते हैं। उसके बाद टमाटर को भी इसी तरीके से छोटे टुकड़ों में काटेंगे। ये देखिए इसको बीज में हमने निकाल दिया है और देखिए इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे पहले लंबे में, इसके बाद फिर देखिए इस तरीके से छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे इस तरीके से। टमाटर काटने के बाद देखिए खीरा की बारी आ गई, तो खीरा को भी देखिए इस तरीके से हम छोटे टुकड़ों में देखिए इस तरीके से कई भाग करने के बाद काट ले रहे हैं। तो ये देखिए बैटर को 10 से 15 मिनट देखिए हो गया है और ये देखिए सूजी जो है फूल भी गया अच्छे से। और इसमें जो सारी सब्जियां हमने काटा करके डालेंगे, सबसे पहले देखिए हम आलू डाल देते हैं, इसके बाद फिर डालेंगे कटा हुआ टमाटर बारीक और शिमला मिर्च डाल देते हैं, खीरा बारीक कटा हुआ डाल देते हैं और हरी मिर्च डालेंगे 5 से 6 हमने देखिए इस तरीके से काटा है बारीक, इसको डाल देते हैं। तीखे के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मिर्च हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि बच्चे खाएंगे। और एक प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, डालेंगे धनिया के पत्तों को बारीक कटा हुआ, धनिया की पत्तियों को जो बारीक काटा था मैंने डाल दिया। अब इसमें देखिए डालेंगे हम सूखे लाल मिर्च का बीज, इसको डाल देते हैं और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसको डाल देते हैं। इसमें हमने सभी चीज़ों को डाल दिया है, नमक हमने पहले डाल दिया था। तो देखिए इसको अच्छे से हम फिर से एक बार मिला लेते हैं सूजी में। अगर सारी सब्जियों को डालने के बाद नमक कम लगे थोड़ा सा नमक आप टेस्ट करने के बाद और डाल सकते हैं इसमें। देखिए इसको हमने मिला लिया है और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। तो देखिए ये सब सारी सब्जियों डालने के बाद ना ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी रहता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और अपने मनपसंद से आपको जो सब्ज़ी पसंद है इसमें बीन्स वगैरह, गाजर वगैरह डाल सकते हैं, इसमें मटर भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से मिला दिया है और ये देखिए हमने इसको
ज़्यादा पतला नहीं किया है, गाढ़ा ही रखा है। तो ये देखिए इस तरीके चम्मच के साथ, देखिए आप गिरा के बाद देख लीजिए, देखिए अच्छे से गिर जा रहा है। तो चलते हैं अभी नाश्ता को बनाते हैं। तो चूल्हे में इनको जला दिया, देखिए यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा तावा लिया है, इसको चूल्हे पे रखते हैं और इसी पे हम नाश्ता ये बनाएंगे। तो देखिए तवे पे जो कि हम ये तेल फैला के डाल देते हैं और अच्छे तरीके से तवे पे फैला देंगे। तो ये देखिए जो हमारा घोल था इसको हम तवे पे डालेंगे चम्मच की सहायता से। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा डालते हुए देखिए इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे। तो देखिए चम्मच से हमने पेस्ट को डाल के इसके बाद चम्मच की सहायता से देखिए इस तरीके से हमें फैलाना है। तो इसको डालने के बाद देखिए हमने थोड़ी देर तक इसको छोड़ दिया था, देखिए इसके ऊपर भी हम एक चम्मच तेल इस तरीके से डाल देंगे। छेद करने से क्या होगा कि नाश्ता जो कि अच्छे से पक जाएगा। देखिए कहीं जगह पर हमने छेद कर दिया है, अब छोड़ देंगे इसको। जब एक तरफ से लाल जाएगा तभी इसको पलटेंगे। तो ऊपर का देखिए थोड़ा सूख गया है पेस्ट, तो देखिए ऊपर से हम डालेंगे सफ़ेद तिल। तो देखिए हल्का हल्का इस तरीके से डाल दे रहे हैं, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो एक तरफ से देखिए लाल हो गया तो इसको देखिए हम पलट देंगे और ऊपर से भी हम सफ़ेद देखिए तिल डाल देते हैं। और इस नाश्ते को देखिए थोड़ा सा पलटे की चाहता से हल्का हल्का इसको देखिए दबा देंगे, अच्छे तरीके से देखिए नाश्ता जो है पक जाए। तो इस नाश्ते को देखिए उलट पुलट पर हम दोनों तरफ से बढ़िया सा लाल कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जितना अच्छे से लाल हो जाएगा उतना ही खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखिए हमारा नाश्ता जो कि बन गया, इसको हम प्लेट में अब उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। तो ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें जो दही आलू और सूजी जो पड़ा है घोलकर इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ऐसे ही देखिए हम तेल डालते हुए तवे पे और सेक लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस पर तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से फैला देंगे और जो हमने पेस्ट बनाया घोलकर इसको डालेंगे। अब देखिए इस तरीके से फैलाते जाएंगे, एक चम्मच और डालेंगे। इसको देखिए इस तरीके से फैला देंगे। थोड़ी देर बाद देखिए एक चम्मच हम तेल डाल देते हैं ऊपर से। और बीच में देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे। ऊपर से देखिए सफ़ेद तिल डाल दे रहे हैं। तिल डालने के बाद देखिए इसके ऊपर हम पलट देंगे लाल हो गया तरफ से। पलटने के बाद देखिए ऊपर भी हम सफ़ेद तिल डाल लेते हैं और हल्के हल्के देखिए पलटे छोटा छोटा प्रेस करते हुए इसको हम पका लेंगे। उलट पुलट कर देखिए अच्छे से लाल कर लिया, इसको तवे पे से उतार लेते हैं और ऐसे हम और बना लेते हैं। तो ये देखिए नाश्ता बनकर हमारा रेडी हो गया है और ये बहुत खूबसूरत नाश्ता देखिए देखने में लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हमने कटोरी में टमाटो सॉस लिया है, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नाश्ते के साथ। आप चाहे तो दही और हरी चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आपको हम तोड़ के दिखाते हैं, तो देखिए तोड़ के भी आपको दिखाएँगे। देखिए इसमें जो हरी सब्ज़ियाँ सब पड़ी ना, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और बहुत सॉफ्ट ये बना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बना है अंदर से। आप इसको चाय के साथ या फिर सुबह के नाश्ते के साथ बना सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और इसमें सारी सब्जियां पड़ती है तो काफ़ी हेल्दी भी जाता है। बच्चे क्योंकि सारी सब्जियां नहीं खा पाते तो इस तरीके से उनको बनाकर खिला सकते हैं। ये था हमारा सूजी आलू और दही का नाश्ता, काफ़ी टेस्टी बनता है ये और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर एक बार ये बना लेंगे ना तो घर वाले बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और बार बार आप लोग से यही नाश्ता बनाने के लिए जिद करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।